Namaste and welcome to this exciting episode of Sethology Debunking Mythology. Sethology means science of truth or study of truth or knowledge of truth. Opposite to that is mythology or mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sethology yani ki satya ka vigyan mein uski padhai, uske vipreet hai mythology yani ki jhoot nakli kalpnik uski padhai uska vigyan. आज हमारे साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दार्शनिक जो है चलते हैं और भारतीय राजनीतिक पार्टियों का किस तरह सोचती हैं किस तरह कार्य करती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनमें इतना टकराव क्यों. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्कार. नमस्कार जय जगन्नाथ. आज तो जगन्नाथ जी हैं गुंडीचा में, तो सबसे अगर दर्शकों को जो भी देख रहे हैं दर्शक आप लोग जाइए और जगन्नाथ जी का दर्शन लीजिए और गले भी लगा सकते हैं. अभी तो अभी थोड़े दिनों में उनकी रिटर्न रथ यात्रा शुरू होने वाली है, शायद कल दो दिन में शुरू हो जाएगी और तब आप जाके उनको तो उससे पहले पहुंच जाइए, देखिए उनको जाके गले लगा सकते हैं और जगन्नाथ जी से हाथ खोल के बैठे हुए हैं. मैं चाहता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां जाएं, दर्शन लें, गले लगाएं और भूल जाएं कि भारत तो सनातन धर्म के की का गढ़ है और उसी की रक्षा करनी चाहिए सारी राजनीतिक पार्टियों को. तो पहले तो बताइए, फिर आज जो ये जो इम्पोर्टेंट है कि हम सभी चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक साथ काम करें, तो क्या क्या चल रहा है इन राजनीतिक पार्टियों, इतना टकराव क्यों? नमस्कार जी. सेथोलॉजी के सभी दर्शकों को नमस्कार. जय जगन्नाथ. ये जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान में, इनकी प्रकृति और इनके स्वभाव और इनके कार्यकलाप पर गंभीरता से अगर हम दृष्टि करें तो पहली बात कि ये किसी विचार से संचालित नहीं है और चूंकि विचार से संचालित नहीं है उसको छिपाने के लिए सब पार्टियां आइडियोलॉजी मतवाद विचारधारा इसकी बात करती है. ये आइडियोलॉजी शब्द जो है ये सबसे पहले कम्युनिस्टों ने क्रिश्चियन थियोलॉजी के को काउंटर करने के लिए कहा था. थियोलॉजी मतलब समथिंग स्पिरिचुअल, जो संसार में दिखता नहीं है उसकी बात करना कि सातवें आकाश में फादर ऑफ जीसस हैं और लास्ट डे ऑफ जजमेंट को वो इसके हिसाब से फैसला देंगे कि कौन जीसस के पक्ष में है कौन नहीं वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग दुनिया है. और संसार में जो दिख रहा है उसके आधार पर हमको वर्ग संघर्ष करना है, वर्ग युद्ध करना है और अपनी सत्ता लानी है, ये कम्युनिस्टों का उद्देश्य था. तो चर्च की नकल में उन्होंने थियोलॉजी के जवाब में आइडियोलॉजी प्रचलित किया. आइडियोलॉजी को जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने भारत में प्रचारित किया और कुछ लोग जिन्हें ना संस्कृत आती ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती उन्होंने विचारधारा उसका अनुवाद कर दिया. तो कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया कि राजनीतिक दल विचारधारा से चलते हैं. तो ये तो अज्ञान से शुरू होता है, गलत ट्रांसलेशन से. थियोलॉजी चर्च की आइडियोलॉजी है, यानी चर्च का जो विचार है उसे वो थियोलॉजी कहते हैं. थिया का मतलब हुआ पंथ, यानी ये कहना कि गॉड कोई एक अल्टीमेट पावर है, उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दी ओनली वे, एकमात्र पंथ, वो थियोलॉजी है. थियोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एकमात्र पंथवाद या एकमात्र पंथ विद्या. अकेला हमारा पंथ ही गॉड तक पहुंचा सकता है और कोई पंथ नहीं, ये थियोलॉजी का दावा है. उसके जवाब में कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ में आइडियोलॉजी, लेनिन स्टालिन आदि ने और मार्क्स ने भी आइडियोलॉजी शब्द को परिकल्पित किया, कल्पना की. आइडियोलॉजी का अर्थ है हमारा विचार ही समाज का कल्याण करेगा. यानी चर्च भी मानता है कि समाज में बाकी सब लोग मूर्ख हैं, हम सब भीड़े हैं और यीशु हमारा चरवाहा है, यानी सब कुछ. और यीशु तो सामने है नहीं, तो यीशु का रिप्रेजेंटेटिव, यीशु की दुल्हन चर्च है. तो चर्च के फादर जो है वो सारी सोसाइटी के चरवाहा है और सोसाइटी भीड़े हैं. चर्च के अधीन जो भी समाज है, जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो सब भेड़े हैं और चर्च के फादर जो हैं वो चरवाहा हैं.
क्योंकि वो जीसस की दुल्हन है और जीसस असली चरवाहा है जो अपने फादर के साथ जो करार किया है उसके अनुसार वो सारे समाज को क्रिश्चियन बपतिस्मा दिला रहा है। तो काल्पनिक बातें, तो उसी की नकल में कम्युनिस्टों ने कहा कि आइडियोलॉजी ही एकमात्र रास्ता है। आइडियोलॉजी क्या है ये आइडियालॉग बताएंगे, और पूरी सोसाइटी को आइडियोलॉजी के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, ये आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी का अर्थ क्या हुआ हिंदी अनुवाद, एकमात्र पंथवाद या एकमात्र मतवाद, एकमात्र राजनीतिक मतवाद, अकेला हमारा मत संपूर्ण समाज को डिसिप्लिन करने में, उसको आगे बढ़ाने में समर्थ है, ये कम्युनिज्म का शब्द था। भारत में हर गलत और गंदी चीज को सुंदर शब्द देकर उसकी दलाली की गई, उसको आगे बढ़ाया गया, तो आइडियोलॉजी को विचारधारा कह दिया। इसके बाद चूंकि शिक्षा व्यवस्था पर जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ का मॉडल अपना के यूएसएसआर का पार्टी और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट खोल दिया, और एजुकेशन डिपार्टमेंट नेताओं यानी जो रूलर्स हैं और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कंट्रोल में रहेगा, ऐसा कर दिया। तो ऑफिशियली आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाने लगा विचारधारा के रूप में। तो सारे जो बाकी पढ़ लिख के निकले, यानी जो 15 अगस्त 1947 के बाद पढ़ने की उम्र में हुए, यानी जो 15 अगस्त 1947 के दिन 15-16 साल के या 20 साल के थे और पढ़ रहे थे, ऐसे सभी लोग आइडियल राजनीति में आइडियोलॉजी की बात करने लगे कि हम आइडियोलॉजी को कर रहे हैं। तो किसी ने कहा हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्टों ने कहा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो एक दूसरा ग्रुप खड़ा हुआ उसने कहा हमारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। इनमें सबके सब भारत का कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन इसके पहले इसका अर्थ जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि जो लोग हैं वो क्राउड हैं, भीड़ हैं, वो इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनको उनमें विद्रोह नहीं हो इसलिए उनको टोकन के रूप में वोटिंग राइट दे देते हैं वो वोट डालेंगे, लेकिन वोट किसको डालेंगे, किसी न किसी आइडियोलॉजी के द्वारा कंट्रोल्ड पार्टी को, यानी जो दो तीन ग्रुप हैं सत्ता के प्रतिस्पर्धी समूह उनमें से किसी को ही चुनेंगे। तो ये बिल्कुल अलग चीज है, और ये भारत में जो राजनीति की परंपरा रही है राजधर्म की, उससे नितांत विपरीत है। तो जो पार्टियां हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जो बीएन राव ने बनाया था। बीएन राव जो है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, उनकी लॉयल्टी किसके प्रति थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। तो उनसे कहा गया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा बना दो जिससे अंग्रेज खुशी खुशी ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले जाएं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया, फिर उसको चूंकि वैलिडिटी देनी थी, नहीं तो ये कहा जाता कि ये तो अंग्रेजों का कानून है, तो इंडिया एक्ट 1935 की नकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उसमें थोड़ा कनाडा, अमेरिका, फ्रांस आदि का भी कुछ कुछ ले लिया। और बीएन राव ने जब बना दिया तो पॉलिटिकल कमेटी और ड्राफ्ट कमेटी दोनों के सामने रखा गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर ये सब लोग थे, राजलाल गोपालाचारी, बहुत से लोग थे, लाल गोपालाचारी के तो हमें याद नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर ये सब लोग थे, के कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी भी थे। तो इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया उसमें जो स्टेट है उसका कंट्रोल पूरी सोसाइटी में रहेगा ये तय हुआ। तो स्टेट के तीन पार्ट हैं, लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाएगी संस्था वो, और ब्यूरोक्रेसी जिसे कार्यपालिका कहते हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका यानी विधानसभा और संसद, और ब्यूरोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका, और तीसरी जुडिशियरी, तीनों स्टेट का पार्ट है। तो ये स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशियरी यानी विधिपालिका, न्यायपालिका शब्द उसके लिए गलत है, जुडिशियरी ही कहना चाहिए, और कार्यपालिका और विधायिका, लेकिन ये तीनों गवर्न होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज की गई, नेताओं ने सोचा कि ये तो इंडिया एक्ट 1935 की नकल माना जाएगा, तो उन्होंने शुरू में कर दिया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। तो भारत क्या हुआ? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसे कौन बना रहा है? भारत के लोग। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बहुत सुंदर बन गया। अब पार्टियों को इसके डिसिप्लिन में रहना था कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग, वो सुप्रीम है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां लेजिस्लेचर में एडमिशन की कॉम्पिटिटर थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हम संसद में जाएं, हम विधानसभा में जाएं, इसका कॉन्टेस्ट है। तो पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां एक तरह से कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं टू बी इलेक्टेड फॉर दी पोस्ट ऑफ एमएलए और एमपी। तो जो सर्विसेज हैं स्टेट की, उसमें से एक जुडिशियल सर्विस है, उसमें जो सेलेक्ट होता है वो क्या बनता है? वो जुडिशियल ऑफिसर बनता है, जज बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, फिर हाई कोर्ट जज बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनता है, एक प्रोसेस है। तो वो सब क्या है? जुडिशियल ऑफिसर हैं। उनके सिलेक्शन की एक विधि है, वो विधि बदलती रहती है। बाद में इन्होंने जजों का एक कॉलेजियम बना लिया है, तो जज स्वयं ही, वो अलग बात है कि वो कितना विधि सम्मत है कितना नहीं, लेकिन जुडिशियल सर्विसेज को रिक्रूट करने की एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा की प्रक्रिया है। इसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के क्लर्क से लेके आईएएस अफसर तक एक परीक्षा है। तो वो क्या होते हैं? सेलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा सेलेक्ट होते हैं? सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। उसका क्राइटेरिया कौन करता है? उनके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। तो आईएएस कौन बनेगा? ये मुख्यतः आईएएस ही तय करते हैं। जज कौन बनेगा? ये जज ही तय करते हैं। और लेजिस्लेचर में कौन जाएगा? यहाँ बाकी जगह सिलेक्शन है और यहाँ इलेक्शन है। यानी यहाँ भी कैंडिडेट का सिलेक्शन ही होता है बाई इलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन है ये वोटिंग वोट के द्वारा होता है। तो यहाँ अगर आपको क्लर्क बनना है या छोटा मोटा ऑफिसर बनना है या बड़ा अफसर बनना है, तो उसकी एक सिलेबस है, उसकी परीक्षा प्रणाली है, उस पर पास होना पड़ेगा। जुडिशियल सर्विसेज में जाना है तो जुडिशियल पढ़ाई पास करनी पड़ेगी। और ये जो है लेजिस्लेचर में जाना है, इसके लिए ये बना दिया कि मोबिलाइजेशन ऑफ वोट, अपने इलाके के वोट आप लोगों को समझा कर, बुझा कर, सहमत करके, धमका कर, डरा कर, मार कर, पीट कर। पहले तो वोट भी छीन लेते थे, मतपत्र खुद ही ऐसे छप्पा लगा देते थे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है उसमें वो संभव नहीं है, लेकिन उनको उसके पहले प्रोपेगेंडा के द्वारा मोबिलाइज करके, प्रभावित करके, जो अपने पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर लेता है वो सिलेक्ट होता है। और कोई उसकी योग्यता रखी ही नहीं है भारत के संविधान में। यहां तक तो ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है उसका क्या है? पहली बात की पार्टियां जो है लेजिस्लेचर के लिए कम्पीट करती हैं, है ना, उसके प्रत्याशी हैं, विधानसभा या संसद के लिए प्रत्याशी हैं। तो ये कोई देश का भाग्य बनाने वाले नहीं है। ये जो देश का भाग्य संविधान ने बना दिया है, उसके एक भाग विधायिका में, और अगर बहुमत में हो गए तो कार्यपालिका के हेड के रूप में जाकर आप उसको गवर्न करते हैं। तो स्टेट का जो नेचर है, नेचर ऑफ स्टेट डिसाइड है पहले से। वो नेचर ऑफ स्टेट कौन सा है? जो अंग्रेजों ने बना रखा है। नेचर ऑफ स्टेट फिक्स है, उसकी एक ब्रांच में वोट के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। उसको आप, इस सिलेक्शन को आप इलेक्शन कह देते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा भी है। अगर कोई जुडिशियल सर्विसेज में जाता है तो वो उसकी, अगर वो 25 साल में भी चला गया तो जो उसके रिटायरमेंट की एज है 60 साल या 65 कर दे सरकार, तो वो 35 से 40 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है। ब्यूरोक्रेसी में जाता है तो 35 से 40 साल तक अपने पद पर और प्रमोशन आदि के नियमों के अंतर्गत काम करता है। लेकिन लेजिस्लेचर में जाते हैं तो केवल 5 साल के लिए। तो ये एक तरह का, और इस लेजिस्लेचर में बहुमत पाने के बाद आप एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, ये क्या है, अपने अपने डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव के हेड है। तो एग्जीक्यूटिव फिक्स है। मान लीजिए मैं शिक्षा मंत्री हूं, तो शिक्षा विभाग पहले से सरकारी नौकरों के द्वारा भरा हुआ है। एक चपरासी होगा, जैसे आप कार्यालय सहायक कहने लगे हैं, फिर एक कार्यालय का एक लिपिक होगा,
क्लर्क होगा, उसके ऊपर अफसर होंगे, फिर डायरेक्टर होगा, जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत से विभाग हैं, फिर पूरे प्रांत का एक हेड होगा, फिर इसी तरह पूरे देश का एक शिक्षा सचिव होगा, है ना, प्रांतों के शिक्षा सचिव होंगे और पूरे देश का, ये सब के सब क्या है, सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट। इनमें से कोई भी भारत के लोगों के किसी कसौटी से नहीं आया है। आईएएस अथवा यूपीएससी को चलाने वाले जो अफसर हैं और जो उसके कुछ मुख्य लोग हैं, उन्होंने कुछ भी एक पाठ्यक्रम बना दिया, उसके द्वारा वो चुने जा रहे हैं। तो सरकार का विभाग तय है, जब आप मंत्री बनते हैं तो केवल हेड हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर सक्सेसफुल भी हो गई तो क्या होती है, डिपार्टमेंट के हेड, और जो चीफ मिनिस्टर है वो पूरे सारे डिपार्टमेंट्स का हेड है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का हेड है, लेकिन उसके अधीन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है। तो एक तो ये फिक्स है कि उसकी लिमिटेशन है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारी पार्टियों में जो लोग जाते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता, उनके प्रशिक्षण, उनके विचार का कोई प्रबंध नहीं है, तो उनका मुख्य ध्यान होता है कि किसी भी तरह हम अपने इलाके में वोट ज्यादा से ज्यादा पा जाएं। 27% पाकर भी लोग एमएलए एमपी चुने गए हैं, 51% पा जाएं तब तो पक्का ही है। तो आपका सारा ध्यान किसमें है, लोगों को किसी भी तरह लुभाकर, मोहित करके, बहाकर, भावना में बहाकर वोट पा जाना। तो उनमें शासन की तो कोई योग्यता नहीं होती। तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है, कोई सोशलिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है। अब भारत के संदर्भ में इसका लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसे कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, उसमें क्या कहा गया, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, प्रभुत्व संपन्न संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोगों ने एक संविधान पास किया, ऐसी घोषणा की गई, यानी सारे भारत के लोगों की इस पर आम राय है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, कम से कम इसमें भारत के लोगों को एक महत्व दिया गया। आपातकाल में जिस समय सारे लोग जेल में थे, सारे विपक्षी और सारे महत्वपूर्ण लोग जिसने भी इंदिरा गांधी की मनमानी और भ्रष्टाचार और निरंकुशता का विरोध किया, वो सब जेल में थे, जयप्रकाश नारायण सहित, उस समय उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक के कहने पर, यूएसएसआर के कहने पर, एक प्रीएम्बल में ही अमेंडमेंट कर दिया और उसको कह दिया कि ये क्या है, ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR। अब ये तो स्टेट का नेचर बदल दिया, यानी ये क्या है, एक नया स्टेट बना दिया। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें सबको वोटिंग राइट है, वो किसी भी विचार का हो, उसके वोट के अधिकार है, उसके विचारों का महत्व है, लेकिन लीगली जब आप किसी देश को सोशलिस्ट कह देते हैं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता, क्योंकि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है। तो अगर आपका स्टेट सोशलिस्ट है तो जो सोशलिस्ट नहीं है उसकी कोई सेल उसमें नहीं रहेगी। मान लीजिए कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूं, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं समाजवाद को एक गंदी और बर्बर और पैशाचिक चीज मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, समाजवाद क्या है, एक बर्बर राक्षसी पैशाचिक विचार, तो मेरा तो कोई सही नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि यह सोशलिस्ट नेशनल स्टेट है। तो आपने इसको डेमोक्रेटिक खत्म कर दिया। जैसे ही आपने द मोमेंट यू अनाउंस इंडियन स्टेट एज सोशलिस्ट, तो यू हैव फिनिश्ड इट एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की हत्या कर दी गई उसको सोशलिस्ट कहके। अब जो लोग जेल में थे, जब वो जेल से छूटे तो इंदिरा गांधी ने ये घोषणा आपातकाल में ऐसे की थी कि राष्ट्रपति के पास गई और उनसे कहा दस्तखत करो। कहते तो ये है कि उनके साथ दो चार पहलवान टाइप लोग थे, उन्होंने राष्ट्रपति को गला पकड़ लिया और कहा कल दस्तखत बुढ़े नहीं तो मारेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद उसके दस्तखत करने के कुछ दिनों के बाद स्नान गृह में बाथरूम में मरे पाए गए, है ना। भारत का राष्ट्रपति स्नान गृह में
कैसे मरा पाया गया इसकी आज तक जांच नहीं हुई। फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी में दस्तखत करने के बाद इमरजेंसी के ऑर्डर में मरे पाए गए, मृत पाए गए और यह माना गया कि उनको मरवा दिया गया। खैर, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब ये लोग जो जेल में थे और वापस आए सत्ता में, जनता ने इनको उत्तर भारत में जमकर इंदिरा गांधी को हरा दिया और इन सबको सत्ता दी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, नानाजी देशमुख थे, चंद्रशेखर थे, मुरारजी देसाई थे, सारे लोग थे, इनको सत्ता दे दी। तो इन्होंने ये प्रबंध तो कर लिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर, बाला बाला कहने पर आगे इमरजेंसी नहीं करे। तो जो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में संशोधन कर दिया कि पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से आपातकाल घोषित होगा और आपातकाल घोषित होने के एक महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से उसकी पुष्टि कराई जाएगी। यानी हम जो बड़े बड़े नेता हैं, इनमें केवल प्राइम मिनिस्टर हमको धोखा दे के इमरजेंसी नहीं लगवा दे, हमसे भी सहमति ले, इसका इंतजाम पक्का कर लिया। अपना किसका? नेताओं का, जो चुने गए नेता। लेकिन जो स्टेट के नेचर को बदल दिया गया था, जो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, जो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को समाजवादी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया था, SSDR बना दिया गया था, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। यानी जो 77 में परिवर्तन हुआ, मुख्यतः तो 76 में हुआ था आपातकाल में, 77 को जनवरी 77 में वो पास हुआ, इसके बाद चुनाव हुए और ये सब आ गए। आज तक, आज जो है 9 जुलाई 2024 तक, भारत एक सोशलिस्ट स्टेट है। संसार में सिवाय कम्युनिस्ट स्टेट के कोई स्टेट अपने को सोशलिस्ट नहीं कहता। संसार का कोई भी स्टेट, कोई भी लोकतांत्रिक राज्य अपने को सोशलिस्ट नहीं कहता, केवल कम्युनिस्ट स्टेट अपने को सोशलिस्ट कहते हैं। इंग्लैंड सोशलिस्ट नहीं है, फ्रांस सोशलिस्ट नहीं है, जर्मनी सोशलिस्ट नहीं है, यूएसए सोशलिस्ट नहीं है, नीदरलैंड सोशलिस्ट नहीं है, स्विट्जरलैंड सोशलिस्ट, स्वीडन सोशलिस्ट नहीं है, कोई भी सोशलिस्ट नहीं है, पाकिस्तान सोशलिस्ट नहीं है, अफगानिस्तान सोशलिस्ट नहीं है, बांग्लादेश सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया सोशलिस्ट है और ये सारे दल उसमें सहमत है। यानी स्टेट का नेचर बदल दिया गया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोशलिस्ट स्टेट बना दिया गया। सोशलिस्ट का अर्थ होता है पूरा स्टेट एक आइडियोलॉजी से चलेगा। अगर कोई स्टेट एक आइडियोलॉजी से चलेगा तो उस आइडियोलॉजी को न मानने वालों का स्टेट में कैसे होगा? तो वो फिर लोकतंत्र कैसे रहा? मान लो मैं सोशलिस्ट नहीं मानता, हाउ कैन आई रन द इंडियन स्टेट? हो ही नहीं सकता। और जबकि कानून से इसको बदला जा सकता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रीएम्बल है उसमें तारीख डली हुई है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग इसको एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाते हैं। इन्होंने संशोधन कर दिया कि आज हम भारत के लोग इसको सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं और डेट पड़ी है 26 नवंबर 1949। कितना बड़ा झूठ, जालसाजी, फरेब, धोखाधड़ी। अरे 26 नवंबर 1949 को तो भारत के लोगों ने इसको लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था ना, समाजवाद नहीं घोषित किया था। आपने इसे समाजवाद घोषित कर दिया और नीचे डेट जो है 26 नवंबर 1949 ही पड़ी हुई है। इसको कहते हैं वाइड एब इनिशियो, आरंभता शून्य। ये संशोधन आरंभता शून्य है, आधारभूत रूप से झूठ है, जाली है, गलत है, गैर कानूनी है, विधिक रूप से ये विधि विरुद्ध है। लेकिन किसी पार्टी के नेता को फुर्सत नहीं है, तो इससे पता चलता है कि नेताओं को चुनाव लड़ने और सत्ता में आने की होड़ है। किसी ने पहले गरीबी हटाओ, 77 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ की बात कहती रही और जब पावर में नहीं रहती तो दूसरे दल पार्टी पे आरोप लगाती है कि वो गरीबी को बढ़ाए हुए हैं, हम गरीबी हटा देंगे। अब तो राहुल गांधी ये तक कहने लगे कि हम अगर सत्ता में आ गए तो खटाखट 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 गरीबी हटा देंगे। मतलब बेशर्मी, झूठ, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन दूसरा दल इसकी बजाय कुछ और कह देता है, हम राष्ट्रवाद में देंगे। अरे आपने तो आधारभूत रूप से भारत के राज्य को सोशलिस्ट बना दिया है, आप कैसे राम्राज्य लाएंगे? कोई भी सोशलिस्ट स्टेट कैसे राम्राज्य हो सकता है? कोई भी सोशलिस्ट स्टेट हिंदू नेशन कैसे हो सकता है? असंभव है, क्योंकि सोशलिज्म का अर्थ होता है
सारे नेशनल रिसोर्सेस पर स्टेट का कंट्रोल, जो कि अंग्रेज चाहते थे पर अंग्रेज पूरे भारत पे नहीं कर पाए। 15 अगस्त 1947 तक देश में 700 रियासतें थी, जिनमें 500 अच्छी खासी रियासतें थी बड़ी, बाकी 150-200 छोटी छोटी थी। उनके अपने उसमें से हिंदू रियासतें 350 थी, वो सब राजधर्म के अनुसार, भारत के धर्मशास्त्रों के अनुसार चलने का दावा करती थी। चलती थी या नहीं, लेकिन उनकी सबकी श्रद्धा राजधर्म पर थी। 15 अगस्त 1947 के बाद सरदार पटेल ने राज्यों को मिला तो लिया, लेकिन उसको सोशलिस्ट स्टेट आज बना के रख दिया है और उसको सनातन धर्म से रहित कर दिया है कानूनन घोषित रूप से। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पार्टियां हैं, इनमें जो आपस में आइडियोलॉजिकल बैटल का डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो राजनीतिक मतवाद के आधार पर लड़ाई का दिखावा है, वो लेजिस्लेचर पर मेजोरिटी पाने का एक तरह से प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, इसको ताकि वोटर्स हमको सिलेक्ट कर लें, वोटर्स हमको इलेक्ट कर लें और पावर में भेज, पावर पोजीशन पर जाने का। जैसे कि जुडिशियरी की पावर पोजीशन पे अलग एग्जाम है, ब्यूरोक्रेसी की पावर पोजीशन में जाने की अलग एग्जाम है, तो लेजिस्लेचर की पावर पोजीशन में जाने का एग्जाम है कि तुम कितने वोट जुटाते हो, कितने वोट अपने पक्ष में जुटा लेते हो, मोबिलाइज कर लेते हो, लुभा लेते हो, आकर्षित कर लेते हो, बहका लेते हो, जो भी कह रहे हैं। तो ये तो स्टेट के एक पार्ट पर चुने जाने की होड़ है, जैसे बाबू बनने की, अफसर बनने की होड़ है, जैसे छोटा जज और बड़ा जज बनने की होड़ है, उसी तरह विधायक और सांसद बनने की होड़ है एक तरह से। इसीलिए इन सबको गजटेड ऑफिसर कहा जाता है, गजट में इनके नाम प्रकाशित होते हैं। तो ये तो सरकारी तंत्र हुआ ना, शासन में तीनों विभागों में चुने जाने के कुछ नियम है, आप उसमें चुने जाते हैं। तो इनके आपसी मतभेद तो कोई मतभेद ही नहीं है, और उसका प्रमाण ये है कि स्टेट का नेचर बदल दिया गया और जनसंघ या भाजपा किसी ने आज तक विरोध ही नहीं किया, वो सोशलिस्ट स्टेट चल रहा है। तो इसमें एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन उनमें स्वयं में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी स्वयं में बहुत स्पष्ट है कि हमको लेजिस्लेचर में किसी तरह सीट पानी है, यानी पावर पोजीशन पानी है, हमारा नाम भी भारत के गजट में छप जाए, जैसे अफसरों का छपता है गजट में, सारे ही अफसरों का नोटिफिकेशन होता है, सारे ही जजेस का नोटिफिकेशन होता है, उसी तरह हमारा नाम गजट में छप जाए और हम स्टेट के एक पार्ट के पावर पोजीशन में पहुंच जाए, ये है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत में तो ऐसी कोई परंपरा ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है ये यूरो इंडियन नेचर था इस स्टेट का, कि जिसमें ये मानते हैं कि जो लोग पावर पोजीशन में है वो तो गलेरिया है या चरवाहा है, और जो जनता है वो भेड़े हैं, इसीलिए उसको मासेस भी कहते हैं, आम आदमी शब्द चला है। ये जो मासेस शब्द है ये केमिस्ट्री से लिया गया है और फिजिक्स से भी, कि जो लैब में बैठकर, लेबोरेटरी में बैठकर एक साइंटिस्ट प्रयोग करता है तो वो कंडीशन सिचुएशंस में लैब में प्रयोग होता है। उसमें मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन बनाना है तो आपने उसमें दस्ते में सल्फर मिलाया है, जेगन प्लस एस्पिरेसो को जिंक में दस्ते में तेजाब मिला दिया और एक कंडीशन ढंग से उसको किया तो क्या आता है, जेगन SO4 प्लस S2 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन अन्य सब पे बनाने का तरीका है। तो वैज्ञानिक अपने द्वारा नियंत्रित दशाओं में जो प्रयोग करता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जैसे जिंक के, उनको मासेस कहा जाता है। मासेस का अर्थ होता है जैसे मान लो किसी थाली में राई के दाने हैं, वो सब फीड हैं, तो जनता को मासेस कहने का अर्थ है कि वो सोललेस है, उनमें विवेक नहीं है, उनमें केवल इतना विवेक है कि कोई विवेक नहीं है। विवेक हम पार्टी वालों पे है जो कभी इसको या तो हमको चुनो या हमारे भाई को चुनो या तीसरे भाई को चुनो और हम आपस में सत्ता की लड़ाई करेंगे। लेकिन वोटिंग राइट आपको है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चलेगी किसी न किसी यूरोपियन आइडियोलॉजी पे, और जो स्टेट है वो यूरोपियन नेचर का स्टेट है, इसमें कॉन्टेस्ट है। तो ये तो मनुष्य सब भेड़े हैं, मासर हैं, सरसों के दाने की तरह थाली में रखे हुए या किसी बड़े थाल में जैसे दाना रखते हैं, 1 करोड़ दाने हैं तो उनको मासर कहते हैं, उनको द्रव्य राशि कहते हैं,
उनको भीड़ कहते हैं। तो मनुष्यों को मांसज मानना, राई के दाने मानना, और जो आइडिया लॉग है उसको बहुत बड़ा साइंटिफिक साइंटिस्ट मानना, और वो सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे हम जस्ते में अम्ल मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है, उसी तरह हम आइडियोलॉजी और वो सब मिला देंगे तो उसमें जो निकलेगा वो हमारा पार्टी में पावर आ जाएगी, फिर हम सोच समाज को बदल देंगे। तो ये तो सारा क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, और सारी पार्टियां क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो कि मनुष्यों को भेद मानता है और पार्टी के प्रमुखों को चरवाहा मानता है, गलेरिया मानता है, उसमें चल रहे हैं। जो चर्च की नकल से कम्युनिस्ट पार्टी ने थियोलॉजी की जगह आइडियोलॉजी बनाई, सारी पार्टियां उसी को फॉलो कर रही हैं। भारत के मनुष्यों के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है, वोट पाने के लिए कई बार सम्मान दिखा देते हैं, कई बार वो भी नहीं दिखाते। तो ये तो अभारतीय है, उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि भारत जैसे देश में जहां सनातन धर्म के संस्कार हैं ये चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब स्वीकार नहीं करेंगे तो वो तरह तरह से संगठित होंगे, और जो आप बातें कर रहे हैं कि हिंदू समाज संगठित हो, वो नहीं, वो कोई कास्ट लाइन पे, जाति के आधार पे संगठित होगा, कोई अपने सेक्ट के आधार पे होगा। अब गुरुओं के नए नए गुरु बन रहे हैं, अभी एक गुरु थे हाथरस में, उन्होंने कहा मैं ही भगवान हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है वो चर्च के आदमी थे, पैंट शर्ट पहनते थे, क्रॉस की जगह माला लटका लिया चर्च की नकल में, और शर्ट पैंट सब पहनते हैं, पूरे अंग्रेजी परस्त हैं, और हम गुरु हैं, और आप गुरु को भगवान कहने लगे। उस पर एक दिन अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ये गुरु को भगवान कहना कितना बड़ा फ्रॉड है और सनातन धर्म के कितना विरुद्ध है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये तो ठीक है, लेकिन गुरु भगवान है ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, सनातन धर्म का नाश करना। तो वो हाथरस में वो भगवान जो थे उनके चरण छूने के लिए जो भगदड़ मची, कोई अफवाह उड़ गई तो 1,000-1,500 लोग मर गए, जगह जगह यही हो रहा है। तो सनातन धर्म के नाम पर कुछ भी चल रहा है, धर्म की रक्षा राज्य का पहला धर्म कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को इन्होंने डिफेंसलेस छोड़ दिया। कोई भी अपने को भगवान कह दे, कोई भी अपने को महामंडलेश्वर कह दे, कोई भी अपने को शंकराचार्य कह दे। पहले राजा का कर्तव्य होता था कि सभी मठों की एक सूची रहे, वो उनको अनुशासन में रखे, और उसका अनुशासन कौन करेगा, धर्माचार्यों की एक महापरिषद करेगी, उसमें सर्वसम्मति से तय होगा, तो वो होगा। ये थोड़ी कि आप कोई भी कल को अपने आप को गुरु कह दे, कोई भी अपने को महामंडलेश्वर कह दे, कोई भी अपने को शंकराचार्य कह दे, और आप तमाशा देख रहे हैं, इसका मतलब आपको हिंदू धर्म से कोई प्रेम नहीं है, आपने इसको भीड़ के भरोसे छोड़ दिया है। और जबकि क्रिश्चियन समाज चर्च के कंट्रोल में चल रहा है और मुस्लिम समाज मदरसों के और मुल्लाओं के कंट्रोल में चल रहा है, तो केवल हिंदू सोसाइटी को डिफेंसलेस छोड़ दिया है। इसमें क्या होगा, नए नए गुरु, नए नए संप्रदाय और जातियों के संगठन बनेंगे और ये देश बिखर जाएगा। तो इसलिए सनातन धर्म के जो आधारभूत शास्त्र हैं उनके अनुसार चलना चाहिए, और अभी की कोई भी पार्टी उसमें श्रद्धा नहीं रखती, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी ये केवल ये घोषित कर दे कि हम सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखते हैं, भारत का नागरिक वही होगा जो सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन करने का वचन दे, यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुता, अस्तेय, संयम, है ना, मर्यादित उपभोग, जो 5 यम कहे गए हैं, और पवित्रता आंतरिक और बाहरी, संतोष, और किसी आदर्श के लिए कष्ट सहन, धर्म शास्त्रों का पठन पाठन और ईश्वर भक्ति, 5 यम और 5 नियम। उसको यम नियम कहने पर हिंदू होने का वो लगेगा, तो आप आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखना भारत के नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। भारत के शासक ये घोषित कर सकते हैं कि हम भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, बस यहाँ ये है कि आप किसी भी धर्म को माने पर वो सार्वभौम मानव मूल्यों को मानना पड़ेगा, सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, पवित्रता को, संतोष को, आदर्श के लिए कष्ट सहन को, दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे का अपमान नहीं करना। कानून अभी बने हैं लेकिन इसको नागरिकता की अनिवार्य शर्त बना देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और पार्टियां बताएंगी कि तुम शादी कब करो, पार्टियां बताएंगी कि तुम बच्चे कब करो, ये सब तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत का क्या कॉन्सेप्ट है, भारत में कहा है चाणक्य ने क्या कहा है, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रैया ही अच्छुत हो लोके सीधति न सीधति। आर्य मर्यादा को व्यवस्था करना,
वेदों और शास्त्रों का पठन पाठन सुनिश्चित करना, वर्णों और आश्रमों का अपनी अपनी मर्यादा में पालन सुनिश्चित करना, ये राजा का कर्तव्य है। जो राजा ऐसा करता है वही सुखी होता है। बाकी जगह भी कहा है, देखिए याज्ञवल्क्य किस्मत में लिखा है कि जो व्यापारियों की श्रेणियां होती हैं उनमें श्रेणी, पूग, निगम, आगम, संघ, ये सब नाम होते थे। तो श्रेणियों और पूगों की अपनी सभाएं होती हैं, वो उनके इंटरनल डिस्प्यूट में वही निर्णय करती हैं, और अगर राजा को कोई निर्णय करना हो तो वो उनसे गणों से, निगमों से, पूगों से सलाह करता है। इसी प्रकार किसी कुल का अगर भीतरी विवाद है तो कुलों की पंचायत उसमें अंतिम रूप से निर्णय करेगी। अगर वो नहीं कर पाती तो राजा के सामने जाएंगे, तो राजा उस कुल की परंपरा के अनुसार निर्णय लेगा। अगर जो भिन्न कुलों में विवाद हो रहा है तो उस इलाके में जो जाति पंचायत होगी, खाप पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, उसके जो नियम है उसके अनुसार उन्हें चलना होगा। नारदी स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति दोनों में लिखा है कि श्रेणियों, कुलों और पूगों की परंपराओं और रूढ़ियों की रक्षा करना राजधर्म है और वो राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य ने भी कुलों, जातियों, श्रेणियों और गणों को, गणों के नियमों की चर्चा की है और कहा है कि राजा इनके नियमों का पालन सुनिश्चित करे और जो इन नियमों का उल्लंघन करे उसे दंडित करे, है ना, उनके बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। तो ये जो है इसके स्थान पर आप क्या कर रहे हैं, इसके स्थान पर आप ये कर रहे हैं कि शादी कब हो, बच्चे कब हो, बच्चे कितने हो, ये सब आप बताएंगे, ये आपका काम है क्या? राज्य का काम है राष्ट्र की रक्षा करना और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना, सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करना। ये नहीं कि कौन किससे विवाह करे। प्रतिलोम विवाह को राज्य विशेष पुरस्कार देता है, ये क्या मतलब हुआ भाई? प्रतिलोम विवाह की भी अनुमति है लेकिन अनुलोम विवाह ही धर्म सम्मत विवाह है, ये जब शास्त्रों में लिखा है, तो आप प्रतिलोम विवाह को इतना ज्यादा पुरस्कार दे रहे हैं। तो ये सब जो चल रहा है इससे क्या होगा, इससे अराजकता फैलेगी और अलग अलग जातियों और संप्रदायों के संगठन बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसको समझना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो पार्टियां हैं ये सब की सब एंग्लिसाइज्ड हिंदू मिडिल क्लास का अलग अलग पार्ट है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो हिंदू मिडिल क्लास है उसका एक सेक्शन तो सोशलिस्ट हो गया, वो सब के सब अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। दूसरा सेक्शन वो कांग्रेस की सोशलिस्ट थी, अब एक नया सेक्शन है जो अपने को नेशनलिस्ट कहता है, लेकिन उनकी सबकी पढ़ाई अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, सोशियोलॉजी में वो किसे पढ़ेंगे, यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट को जो कुल 150 साल पहले हुए हैं, है ना, और लॉ में भी उन्हीं को पढ़ेंगे, यूरोपियन लॉ जो 150 साल पहले व्यवस्थित हुआ है। भारत में जो हजारों साल से शास्त्र है, दंड शास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, उनकी कोई पढ़ाई सामान्य विद्यार्थी को नहीं होती, अलग से स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो उसकी थोड़ी सी व्यवस्था है, लेकिन भारत में सामान्य शिक्षा तो यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट, यूरोपियन एजुकेशनिस्ट, यूरोपियन लॉरेट्स, यूरोपियन जुडिशियल थिंकर्स, इनकी होती है। न्याय के विषय में, राज्य के विषय में, वित्त के विषय में, शासन के विषय में, समाज के विषय में केवल यूरोपीय विचार पढ़ाए जाते हैं। तो उसी विचार को पढ़कर तीन अलग अलग शाखाएं बनी है, एक कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप है और दूसरा थोड़ा सा हिंदू संस्कारों वाला। जैसे पहले पुरानी जो कांग्रेस थी 1947 से 1964 तक वो वैसी ही थी जैसी अभी की भाजपा है, उसमें सब हिंदू संस्कारों के लोग थे लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत गर्व करते थे और अंग्रेजों को अपना प्रमाण मानते थे, अंग्रेजी विचार और यूरोपीय विचार को। अब इस समय की भाजपा भी वही है। बीच में 1964 के बाद कांग्रेस एकदम नष्ट होती चली गई और 1989 के बाद तो कांग्रेस क्रिश्चियंस के कंट्रोल में आ गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दो क्रिश्चियन नेता हैं और अब तो राहुल गांधी ये हिम्मत कर रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, किसी भी क्रिश्चियन लीडर को ये अधिकार नहीं है कि वो हिंदू धर्म के बारे में बताए कि हिंदू धर्म क्या है क्या नहीं, क्योंकि इससे तो क्रॉस मच जाएगा, अराजकता मच जाएगी। भारत में राहुल गांधी जो कि एक ऑर्थोडॉक्स, जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है, और हिंदू अगर बताने लगे कि सच्ची क्रिश्चियनिटी क्या है तो ये उसे नहीं मानेंगे। ये तो क्लियोटिक सिचुएशन है। माने मुसलमान और ईसाई ये बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है,
और हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है कि वो बताएं कि इस्लाम और ईसाइयत क्या है ये। और सारे दल मतलब भाजपा भी इसको चलने दे रही है, कायदे से इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म ये बताता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद्धि है, चेतना है। वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं, तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभावः, बुद्धि का स्वभाव है कि वो तत्व की ओर जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में भीतर एक शक्ति होती है, चिन्मय शक्ति, जो सत्य और धर्म की ओर जाती है। इसलिए सबके विवेक से अलग अलग स्तर पर, जो जिस स्तर का है, कुलों की पंचायत अलग है, जाति की पंचायत, गांव की पंचायत, खाप पंचायत, व्यापारियों की बड़ी बड़ी श्रेणियां उनकी पंचायत, ये सब था। और उनके अपने नियम हैं, और उनमें जहां कोई बाधा आए तो सनातन धर्म के नियमों के अनुसार न्याय किया जाए। उसके स्थान पर जो पार्टी पावर में आती है वो अपने ढंग से देश को चलाना चाहती है। यानी आपके किसी नेता के दिमाग में कुछ अंग्रेजी किताबें पढ़ के कोई खुजली हुई और आप उसके अनुसार इस देश को हांकना चाहते हैं कि अचानक आपने कह दिया। इस बात के प्रमाण है कि 18वीं शताब्दी तक भारत में सभी लोग हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक होते थे। अचानक आपने कह दिया कि शताब्दियों से कुछ जातियां आप शब्द बोलन गुरुआ बारे शहीदा बारे बोलन का सम्मान करेंगे, मनुष्यों में ये कम्युनिस्टों ने किया कि जितने धन वाले हैं वो सबके सब शोषक होते हैं, वो सबको तो उनको हम समाप्त कर देंगे। हर धनी को अंत में या तो उसका धन छीन लेना है या कमजोर कर देना है। अब जातियों के आधार पर फैसला होना है कि ये जाति के लोग बड़े दुष्ट हैं, उस जाति को सत्ता विहीन कर देना है। ये तो समाज की कोई दृष्टि ही नहीं है, सनातन धर्म का कोई निकष ही नहीं है। आप अपने दिमाग की खुजली, अपने दिमाग के आइडिया, आपके नेता के दिमाग में कोई आइडिया आता है उसके आधार पर आप सोसाइटी को कंट्रोल और डोमिनेट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सनातन धर्म के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है। और सभी पार्टियां इसमें आधारभूत रूप से सहमत है, सिर्फ ये है कि तू नहीं मैं। कांग्रेस चाहती है कि वो अपने अनुसार समाज को ट्रांसफॉर्म करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने अनुसार समाज को ट्रांसफॉर्म करे। अरे भगवान, तो समाज के अनुसार तुम क्यों नहीं कंट्रोल होते? राजनीतिक दल को समाज के नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहिए? राजनीतिक दल को भारत में सनातन धर्म का पालन क्यों नहीं करना चाहिए? सभी राजनीतिक दल सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखें, तभी उनका पंजीयन होगा, तभी वो राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होंगे। ये नियम क्यों नहीं बनना चाहिए? और ये जो अवैध तथाकथित संशोधन के द्वारा नया संविधान बना दिया गया है वो क्यों नहीं रद्द होना चाहिए? जो संशोधन, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब ने पास किया था, पारित किया था, वो संविधान पुनः लागू हो अगर अभी स्टेट का यही स्ट्रक्चर है तो, और धीरे धीरे एक नई संविधान सभा बने जो सनातन धर्म को भारत का राजधर्म घोषित करे, जैसा कि 15 अगस्त 1947 तक 350 हिंदू राज्य थे, वो राजधर्म को ही अपना आदर्श मानते थे। उसमें से कोई पूरा पालन करता था, कोई नहीं करता था, लेकिन आदर्श उनका एक था। सभी हिंदू राजाओं का, सभी हिंदू राज्यों का घोषित आदर्श राजधर्म था, राजधर्म जो सनातन धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, कात्यायन स्मृति में, अंगिरा स्मृति में, व्यास स्मृति में, अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, महाभारत के शांति पर्व में, राजधर्म राजधर्मानुशासन पर्व में जो राजधर्म प्रतिपादित है वही हमारा आदर्श है, क्योंकि ये अनादिकाल से भारत में चल रहा है, ये सबके सब लोग मानते थे। लेकिन ये अब क्या हो रहा है? 15 अगस्त 1947 सभी हिंदू राजा राजधर्म को ही अपना उचित मानते थे।
इसलिए अगर सनातन धर्म की ही शरण में जाना पड़ेगा, सनातन धर्म को ही भारत के संविधान का आधार बनाना पड़ेगा। और उसके प्रथम चरण के रूप में जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था उसको फिर से लागू करना चाहिए। सारे ही संशोधन रद्द कर दें, पुनः 26 नवंबर 1949 वाला संविधान चले और संपत्ति जो है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप संपत्ति को मौलिक अधिकारों से रहित नहीं कर सकते। मूल संविधान में संपत्ति मौलिक अधिकार था, उसको नष्ट कर दिया। मूल संविधान में कोई भी किसी जाति के लिए अपमान सूचक कहेगा तो वो दंडित होगा, ये व्यवस्था थी अनटचेबिलिटी एक्ट में। यानी आप ब्राह्मण की भी निंदा नहीं कर सकते और अनुसूचित जाति की भी निंदा नहीं कर सकते, वो सब उलट पलट दिया। तो मूल संविधान को पहले तो पूरी तरह यथावत लागू किया जाए, इसके बाद स्टेट के स्ट्रक्चर को सुरक्षित कर लिया जाए, इसके बाद सनातन धर्म के आधार पर सुंदर राज्य की रचना कैसे होगी ये हो। अभी का जो पार्टियों का कंफ्यूजन है उसी में एक पार्टी को सनातन धर्म की पार्टी मान लेना, जो कभी अपने को घोषित ही नहीं करती कि हम सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं। तो ये पार्टियां कंफ्यूजन पैदा करती हैं और पार्टियों के प्रशंसक और समर्थक कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को समाप्त करना चाहिए। पार्टियां आपस में राज्य के एक भाग विधायिका में वर्चस्व पाने के लिए, बहुमत पाने के लिए प्रतिस्पर्धी लोग हैं, है ना, ये प्रत्याशी हैं, उनको कैंडिडेट कहा भी जाता है। पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले लोग प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं। किसके कैंडिडेट हैं? स्टेट के एक पार्ट लेजिस्लेचर में चुने सेलेक्ट होने के लिए। तो ये सिलेक्शन की स्टेट के एक पार्ट में सेलेक्ट होने के लिए ये सब कैंडिडेट्स हैं। तो अभी पार्टियों के लोग कैंडिडेट हैं लेजिस्लेचर में सेलेक्ट होने के लिए, उनको सेलेक्ट करने वाले वोटर हैं। लेकिन राजनीति तो इसको नहीं कहते, राजनीति तो संपूर्ण राज्य का विचार करे, संपूर्ण समाज का विचार करे और उसके नियंत्रण में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव सब होना चाहिए, है ना। ये थोड़ी कि जुडिशियरी कुछ भी करेगी, जुडिशियरी जो है वो राज्य के अधीन है, राज्य का एक अंग है। इसलिए जो राज्यकर्ता हैं, जो शासक हैं, जो मूल शासक हैं, जो भारत के लोग जिनको शासक मानते हैं, उनके नियंत्रण में जुडिशियरी को रहना चाहिए, उनके नियंत्रण में ब्यूरोक्रेसी को रहना चाहिए। तो ये सब एक सहज बात है, इतनी सहज है कि सब लोग मान लेंगे, लेकिन सहज बात न करके इसको सोशलिस्ट स्टेट बना दिया, इसको अननेचुरल अस्वाभाविक बना दिया है भारत के शासन को। इसको फिर से स्वाभाविक बनाना चाहिए और सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अभी की पार्टियां जो आपस में भेद दिखाती हैं वो व्यक्तिगत तो भेद हैं, एक ही पार्टी में एक नेता भ्रष्ट हो सकता है, एक नेता अच्छा। जैसे कि इसी शासन में मनमोहन सिंह वगैरह ने बहुत लूट की, नरसिंह राव ने बहुत लूट की। नरसिंह राव ने तो वक्फ बोर्ड बना दिया और वक्फ बोर्ड को भारत की बहुत सारी संपत्ति सौंप दी, जो अगर ठीक से हो तो मरणोपरांत उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उनको उनके पर उनके पास तो धन नहीं होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा जिन लोगों ने संपत्ति अर्जित करी है सबका सबकी संपत्ति छीन लेनी चाहिए, क्योंकि वो अवैध कानून था। तो अभी के जो पार्टी के लोग हैं वो तो भारत को उन्होंने एक खिलौना बना रखा है, कोई भी कानून बना देंगे। एक न्याय संगत सनातन सार्वभौम मानव मूल्यों पर आधारित राज्य हो, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसी शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो वो सबसे अच्छे इसलिए हैं कि वो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है। नतीजा क्या है? हर बात में धन का अभाव कहा जाता था, धन नहीं है, धन नहीं है, सरकार के पास धन। अब हर बात के लिए धन उफन रहा है, यानी करोड़ों करोड़ रुपए, एक एक कितनी सारी सैकड़ों पेलेट्स को करोड़ों रुपए दे दिए गए। क्यों? भ्रष्टाचार को रोक दिया। नरेंद्र मोदी की विशेषता ये नहीं है कि वो सनातन धर्म में श्रद्धा है, सनातन धर्म में कोई श्रद्धा उनकी पुष्ट नहीं, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार समाप्त होने से राज्य का खजाना मजबूत हो गया है, हर अच्छे काम के लिए अथवा जिस काम के लिए प्रधानमंत्री चाहे धन उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी चीज है, राजकोष को समृद्ध करना और राष्ट्र को सुरक्षित रखना राजा का प्रथम धर्म है, और नरेंद्र मोदी ने दोनों काम किए हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। लेकिन भारत के भविष्य के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजा तो उनका हम लोग पूरा सम्मान करें, परंतु राज्य की रचना को सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लाने का प्रयास करें। और ये स्वयं नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो इतने बुद्धिमान हैं, उन्होंने इतनी कुशलता से राजकोष को समृद्ध किया है, उन्होंने इतनी कुशलता से भारत की सुरक्षा बढ़ाई है, सैन्य बल बढ़ाया है। सारे संसार में राज्य का मुख्य काम है सैन्य बल,
वो सैन्य बल बढ़ाया है, तो जो प्रधानमंत्री सैन्य बल बढ़ा सकते हैं और राजकोष को समृद्ध कर सकते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से यदि हम लोग सब विद्वान लोग और भारत के सभी सयाने लोग आग्रह करें तो वो सनातन धर्म को भी प्रतिष्ठित कर देंगे, उधर ध्यान देना चाहिए। ये पार्टियां जो कंफ्यूजन करती हैं उस कंफ्यूजन से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन के से मुक्त रहने का अर्थ ये नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को वही मान लें जो भाजपा है, ये तो फिर आत्मघात होगा। राहुल गांधी तो क्रिश्चियन होकर भी हिंदुओं को शासित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म क्या है वो बताना चाहते हैं, ये तो अवैध है, ये तो लोक शांति को प्रक्षुब्ध करना है, भारत के हिंदुओं को अपमानित करना है और उनको उद्विग्न करना है और समाज में अशांति फैलाना है, तो ये तो दंडनीय कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अभी जो है वो तो पूरी तरह क्रिश्चियन हो चुकी है, लेकिन भाजपा जो है, भाजपा से हमें उतनी आशा नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी से आशा है। नरेंद्र मोदी ने राजकोष को समृद्ध किया है, सैन्य बल को सुसज्जित किया है, तो उनसे अगर सब प्रबुद्ध लोग, सारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ धर्माचार्य और सब लोग आग्रह करें, कृपा करके सनातन धर्म के अनुसार संचालन कीजिए, उनकी समझ में आएगा तो वो कर लेंगे। हम लोगों को उस दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रेरित करना चाहिए, उनसे अनुरोध करना चाहिए, बारंबार उनके ध्यान में लाना चाहिए कि आप जैसा समर्थ शासक ये किस कीचड़ में फंसा है, इतना श्रेष्ठ समर्थ शासक ये क्या सोशलिस्ट स्टेट, नाम से ही शर्म आती है, भला भारत को सोशलिस्ट क्यों होना चाहिए, क्या ये कोई कम्युनिस्ट देश है, क्या ये सोवियत संघ और चीन की तरह अधम राज्य है। तो नरेंद्र मोदी में ये साहस है और ये सामर्थ्य है कि वो सोशलिज्म के कलंक से भारत को मुक्त कर दें और इसको सनातन धर्म में पुनः प्रतिष्ठित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक लंबा दर्शकों के लिए एक मोनोलॉग भी था, आप इसको शेयर कर सकते हैं क्लिपिंग्स बना के और लोगों को बता सकते हैं। मैं इसमें अभी कुछ ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट का हो गया है, सो आई विल लेट दर्शकों का कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कमेंट लिखिए और मुझे बताइए और हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोनो